हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट टॉपिक जो आते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जानना पड़ेगा, वो है इंट्रोडक्शन पार्ट में। केमिकल चेंज क्या है, इस चैप्टर में हम लोग मेनली केमिकल चेंज को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल चेंज जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स का आप लोग धीरे धीरे जानने को मिलेगा कि जो जो केमिकल चेंज है वो केमिकल चेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि केमिकल चेंज क्या है, ये केमिकल चेंज टर्म क्या है। केमिकल चेंज मीन्स जो एक सब्सटेंस, वन सब्सटेंस डिफरेंट सब्सटेंस में चेंज होता है, दूसरा कोई सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज, यानी कि इसके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके कारण ये केमिकल एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो गया, यानी कि इसका जो आइडेंटिटी है वो लूज कर जाएगा। दैट मीन्स इट विल लूज इट्स आइडेंटिटी। इसका जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी वो लूज कर जाएगा, यानी कि दूसरा कुछ फॉर्म हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस केमिकल चेंज का, हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। तो आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज में अगर यहाँ पे गैस इवॉल्व होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। यानी कि जो पहला जो सब्सटेंस था उसका आइडेंटिटी चेंज हो गया, यानी कि ये दूसरा कोई सब्सटेंस में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। नंबर टू, नंबर टू हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट मीन्स कुछ ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होगा जो इनसोल्यूबल रहेगा। कहाँ पे इनसोल्यूबल, इन वाटर, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट मीन्स इनसोल्यूबल इन वाटर, करेक्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, यानी कि फर्स्ट सब्सटेंस का कलर कुछ चेंज हो गया, हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है कि कलर चेंज होने से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ। फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो हम लोग यहीं पे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। आइदर राइज इन टेम्परेचर हो जाएगा कि बॉडी हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, या फिर ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो यानी कि चेंज हो जाएगा जो टेम्परेचर था पहला सब्सटेंस का, उसका टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हुआ है। क्या चेंज, केमिकली चेंज हुआ है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब इसका जो स्टेट है हम लोग का, जनरली कितना स्टेट हम लोग पता है, फाइव स्टेट है, फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर, बट यहाँ पे मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में ही बोले हैं। यानी कि जो पहला जो सब्सटेंस था, अगर सपोज ये सॉलिड था, अगर यहाँ पे लिक्विड हो गया तो या फिर गैस में चेंज हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। यानी कि इसको हम लोग कुछ अच्छी तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे फिजिकल स्टेट, नीचे एरो देके लिखता हूँ, फिजिकल स्टेट, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल स्टेट जो है चेंज हुआ। तो इस पांच पॉइंट्स यानी कि पांच कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स का एक एक एग्जाम्पल लेके,
यानी कि केमिकल रिएक्शन लिख के, ठीक है, लिख के हम लोग एक एक को समझेंगे अच्छी तरीके से कि क्या कौन सा क्या होता है, किस तरीके से गैस इवॉल्व होता है, किस तरीके से प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कौन सा कलर, किस तरीके का कलर चेंज होता है, उसके बाद टेम्परेचर कब चेंज होता है, एंड फिजिकल स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट कब चेंज होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो तब तक के लिए थैंक यू।